तो दोस्तों वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जो वैकेंसी आई है, क्योंकि एकलव्य मॉडल स्कूल में कुछ दिन पहले पीजीटी की बम्पर वैकेंसी आई थी। इसी को देखते हुए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में टीजीटी 2023 की रिक्वायरमेंट शुरू हो गई। लगभग 6000 पद यानी 5607 पोस्टों पे पद आए हुए हैं। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, बम्पर मौका है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, कब तक एग्ज़ाम हो सकते हैं, लास्ट डेट क्या है फॉर्म की और ड्यूरेशन क्या है। अगर डेट की बात माने तो ये 18 अगस्त से फॉर्म भरे जाएंगे और आपको 18 अगस्त से फॉर्म भरने एक महीने का समय दिया जाएगा। 18 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके एग्ज़ाम की सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। एक काफ़ी बड़ी वैकेंसी टीजीटी में 5607 पोस्टों पे आई है, जिसको ईएमआरएस की बुकलेट है जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इसका देखिए 18-8 से फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें जो फॉर्म की रखी गई है, फॉर्म 1500 के हैं टीजीटी के और वह हॉस्टल वार्डन के, इन्होंने जो वैकेंसी रखी हुई है इसमें 1500 हॉस्टल वार्डन के हैं और करीब करीब इसमें आपके देख लीजिएगा 1000 पद इसमें हैं। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं आप देख रहे हैं इसमें एक काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। कि इसमें जो भी पद आए हुए हैं, पदों की संख्या पर अगर बात करें कि काफ़ी लंबे समय से भर्तियाँ रुकी हुई थी, अब देखिए यहाँ पर जो पद हैं टीजीटी में 5660 पद और हॉस्टल वार्डन 335 और हॉस्टल वार्डन मेन फील्ड 334, टोटल 6329। लेकिन जो 5660 पदों पे टीजीटी का आया हुआ है, काफ़ी बड़ी वैकेंसीज हैं। अगर इसमें देखें हिंदी में तो करीब करीब 606 पद, अंग्रेजी में 671, मैथ में 686, सोशल एसएसटी यानी एसएसटी में 670 और साइंस में 678। लगभग 3311 पदों पे इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हैं इस जनरल कोटे में आपको देखेंगे, और सारे सब्जेक्टों को अगर मिला के देखें तो 5660 पद टोटल टीजीटी में आए हुए हैं। काफ़ी बड़ी वैकेंसीज हैं जो 18 इसके फॉर्म की एप्लीकेशन जो 18 अगस्त से शुरू हो जाएंगी, तो आप लोग इसको भरिए और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इससे रिलेटेड इंग्लिश सब्जेक्ट से अगर आप लोग भरना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट का हम लोग का स्टडी मटेरियल हम लोग ऑलरेडी पीजीटी में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस चला रहे हैं और टीजीटी में भी हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस चलाएंगे और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल पे जाएंगे तो व्हाट्सएप पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल कैसे ले सकते हैं। अगर इसके देखें तो लैंग्वेज की भी बंगाली, हिंदी, गुजराती, कन्नड़ सारे लैंग्वेज के पद निकले हुए हैं टीजीटी में। अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न की हम लोग बात करेंगे तो एग्ज़ाम जो पैटर्न हमारा है, नीचे थोड़ा सा चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न वाले पोस्ट पर, इसके एग्ज़ाम क्या क्या आएंगे। तो देखिए अगर टीजीटी का जो पद है हमारा, इसमें क्या दिया हुआ है कि 120 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 120 प्रश्न में से देखिएगा जनरल अवेयरनेस 10 के रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी 10 की रहेगी, आईसीटी 10 की, टीचिंग एप्टीट्यूड, बाकी जो 80 नंबर है एनएपी एक्सक्लूड करके बाकी सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा। और पूरा पेपर 3 घंटे का होगा, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, एनटीए एग्ज़ाम करवा रही है। अगर एग्ज़ाम डेट की इसको देख लें, अच्छा लैंग्वेज का जो पेपर होगा कंपलसरी होगा, 40% आपको लाना है यानी 30 में 12 प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे। ये है अगर एग्ज़ाम डेट की इसकी हम बात करें कि एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, तो एग्ज़ाम की देखिए अभी पीजीटी का एग्ज़ाम सबसे पहले होगा, उसके बाद टीजीटी लाइन लगेगा। 18 से फॉर्म भरे जाएंगे, 18-9 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम आपको मानिए अक्टूबर में या नवंबर में आपको कंफर्म है कि आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे और रिजल्ट बहुत ही जल्दी इसका आएगा। दोस्तों अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, इसकी पीडीएफ की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके पीडीएफ फाइल की लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा, आप तैयारी में लग जाएं। इसकी डिटेल वीडियो एक लेके आऊँगा जिसमें मैं इसकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीजीटी इंग्लिश का, यानी टीजीटी इंग्लिश के जो लोग तैयारी करना चाहते हैं मेन सब्जेक्ट की, तो उसकी डिटेल्स जो है आपकी यहाँ पे सिलेबस की आ जाएगी वीडियो। तो आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।